बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद इरफान फ्रॉम चैनल ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी 699। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 8.3 है, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग When heated from 0 degree centigrade to 20 degree centigrade। हमने एल्यूमिनियम बार की लेंथ में इंक्रीज मालूम करना है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, जब उसको हीट किया जाता है 0 degree centigrade से 20 degree centigrade तक, तो उसकी लंबाई में जो इंक्रीज होता है वो इंक्रीज मालूम करना है। द थर्मल कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 × 10⁻⁵ kelvin। थर्मल कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा लिख लेते हैं। जो इनिशियल लेंथ है इस एल्यूमिनियम बार की एल नॉट विच इज 2 मीटर, दिस इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम बार। टेम्परेचर हमें गिवन है टी नॉट इज इक्वल टू 0 degree centigrade। हम जानते हैं टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें 273 ऐड करेंगे, हमारे पास टी नॉट आ जाता है 273 केल्विन, जो कि इब्तदाई टेम्परेचर है। आखिरी टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर टी हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं, 20 इसमें ऐड करेंगे केल्विन में चेंज करने के लिए, तो ये हमारे पास आता है ऐड करने के बाद 293 केल्विन। अब हम इंक्रीज इन टेम्परेचर मालूम करते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, टी माइनस टी नॉट, दिस इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टी हमारे पास है 293 केल्विन माइनस टी नॉट है 273। तो 293 में से 273 अगर हम माइनस कर दें तो ये आता है 20 केल्विन, दिस इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और जो लीनियर एक्सपेंशन ऑफ थर्मल कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल्फा है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.5 × 10⁻⁵ kelvin। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डेटा था। अब हमें मालूम करना है इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल वी हैव टू फाइंड। तो जो फार्मूला हम यूज करेंगे डेल्टा एल को फाइंड आउट करने के लिए, विनर एट डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा टाइम्स एल नॉट डेल्टा टी। ये मैथमेटिकल रिलेशन है जिसकी मदद से हम इंक्रीज इन लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁵। इनिशियल लेंथ जो है वो 2 है और इंक्रीज इन लेंथ 20 है। डेल्टा एल इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2.5, इसका अगर हम इशारिया रिमूव कर दें तो ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 × 10⁻⁵, और ये इंक्रीज मीटर में होगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 को 2 से ज़रब दिया 4, 4 को 25 से ज़रब दिया 100, 100 ज़रब 10 की ताकत −5 मीटर। डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, ये 100 है तो ये 10 की ताकत 2 बन जाएगा, 10 की ताकत −5 मीटर। डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 की ताकत 2 −5, क्योंकि आपको पता है पावर जेड होती हैं, तो ये 2 + −5 तो ये −5 आ जाएगा, 2 − 5। डेल्टा एल इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो इसको हम फर्दर देख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू 3 इसे छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है 10 है तो ये आएगा 0.0001 मीटर, ये मीटर में होगा। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.001
इनटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आता है 0.1 सेंटीमीटर, दैट विल बी द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ दैट एल्यूमिनियम रॉड।